बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के सचिव रहे रिटायर्ड नीतराम के घर पर जब आयकर विभाग ने छापेमारी की तो अधिकारियों के होश उड़ गए। छापे में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति समेत इतनी महंगी चीजें और सामान मिले हैं कि खुद आयकर अधिकारी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। छापेमारी में एक डायरी भी आयकर विभाग के हाथ लगी है। इसके अंदर 250 करोड़ की संपत्ति की जानकारी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक 50 लाख की कीमत वाला मोंट ब्लॉक पेंट भी मिला है। इसके अलावा शेल कंपनियों के कागजात भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतराम ने 95 करोड़ रुपए की फर्जी शेयर कैपिटल के जरिए 6 प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, जिनमें से एक दिल्ली के लुटियंस जोन में केजी मार्ग और दूसरी दक्षिण दिल्ली के पौश इलाके जीके वन में मौजूद है। यही नहीं, एक संपत्ति मुंबई और 3 कोलकाता में मिली है। आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कई संपत्तियों का अभी खुलासा नहीं किया गया है, जांच चल रही है, जल्द उनके बारे में जानकारी सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एनसी 24 न्यूज़।